नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है मानव में नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, इसके पहले के मेरे वीडियो में आपने जाना कि प्रजनन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है प्रजनन कहलाते हैं। प्रजनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग प्रजनन अंग कहलाते हैं। किसी जीव में भाग लेने वाले सभी प्रजनन अंग मिलकर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। मनुष्य अन्य स्तनियों के समान ही, मनुष्य में अन्य स्तनियों के समान ही लैंगिक प्रजनन होता है। और इस प्रकार के प्रजनन में लिंग कोशिकाएं भाग लेती हैं। मनुष्य में ये लिंग कोशिकाएं अलग अलग जीवों में बनती हैं। जिन जीवों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन्हें नर कहा जाता है, या मेल गैमेट का निर्माण होता है उन्हें मेल कहा जाता है। जबकि जिस जीव में अंडाणु का निर्माण होता है उसे फीमेल कहा जाता है, मादा कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है वो यूनिसेक्सुअल प्राणी है, और यूनिसेक्सुअल प्राणी होने के कारण अलग अलग जीवों में अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात नर युग्मक का निर्माण अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल गैमेट्स का निर्माण अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है क्या? सबसे पहले हम इसको समझें। वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल गैमेट के निर्माण करने के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। वह जनन तंत्र जिसमें नर युग्मक के निर्माण के साथ साथ कुछ हार्मोन्स का भी स्रावण होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र कहलाता है। मानव के नर जनन तंत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला है प्राथमिक जनन अंग या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा है सहायक जनन अंग या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं, कि वे जनन अंग, वे प्रजनन अंग जो नर युग्मक के निर्माण के साथ साथ हार्मोन्स का भी स्रावण करते हैं प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। वे प्रजनन अंग जो नर युग्मक के निर्माण एवं हार्मोन्स का स्रावण करते हैं प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। मनुष्य में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, मिश्रण होते हैं। वहीं पर अगर हम सहायक जनन अंग की बात करें तो वे जनन अंग जो प्रजनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात नर युग्मक और हार्मोन्स का श्रावण नहीं करते हैं बल्कि अन्य कार्यों को संपन्न कराते हैं, सहायक जनन अंग कहलाते हैं। और मनुष्य में अगर हम सहायक जनन अंग की बात करें तो इसमें एक जोड़ी वृषण कोश, एक जोड़ी अधिवृषण या एपिडिडाइमिस, एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं, एक जोड़ी शुक्राशय, एक शिश्न या पेनिस, एक यूरेथ्रा और कुछ सहायक ग्रंथियां होती है। और इन सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड होती है। तो चलिए हम इसे चित्र के माध्यम से देखें, कि चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि इनमें कौन कौन से, आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट व्यू से सामने की तरफ से बनाया गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टेस्टिस टेस्टिस जो है एक थैलेनुमा संरचना में बंद है जिसे स्क्रोटम या टेस्टिस सेक कहते हैं। इस टेस्टिस सेक से जो नलिका नुमा संरचना निकलती है एपीडी डाइमिस, ये एपिडिडाइमिस
जो है वास्ट डिफरेंस से होते हुए, जो है एम्पुली के माध्यम से, एम्पुली से होते हुए यूरेथ्रा में जाकर ओपन होती है। यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले इसमें एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, सेमिनल वेसाइकल कहते हैं। ये जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं, दोनों तरफ की जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं, ये इजिकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। इजिकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है और यह इजिकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होती है और यही यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रोजेनाइटल एपर्चर के माध्यम से बाहर की ओर ओपन होती है। तो यहां पर साथ में आप देखेंगे कि जो यूरेथ्रा है एक पेशी संरचना के द्वारा घिरी होती है और इस जो पेशी संरचना है इस पेशी संरचना को पेनिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से हो गए, टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, और जो सेमिनल वेसाइकल्स है वह सेमिनल वेसाइकल इजुकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा पेनिस से होते हुए यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के द्वारा बाहर की ओर ओपन होती है। तो चलिए एक एक अंगों को समझने की कोशिश करें कि क्या है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो प्राथमिक जनन अंग है वो टेस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जो ओवल शेप्ड या ओवल शेप्ड होते हैं, अंडाकार होते हैं, कभी कभी ये गोल भी होते हैं। ये एक स्पंजी संरचना होती है जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबे, 1.25 सेंटीमीटर थिक और 20 से 25 ग्राम वजन के होते हैं। अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो है सबसे बाहर की ओर, अगर हम टेस्टिस की जब बात कर रहे हैं तो टेस्टिस जो है सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम के आवरण के द्वारा घिरी होती है और पेरिटोनियम से अंदर की ओर, पेरिटोनियम से अंदर की ओर कनेक्टिव टिश्यू का एक आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। यहां ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर अनेक सेप्टा में बंटी होती है, अनेक पिंडों में बंटी हुई होती है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये बहुत सारे पिंडों में बंटी हुई है और इन पिंडों को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो संख्या है वो लगभग 200 से 250 के बीच में होती है। अब अगर देखें तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है और इन 2 से 3 कुंडलित नलिकाओं को सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं, सेमिनो फेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। ये जो सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स हैं एक पतली नलिका के द्वारा बाहर की ओर ओपन होते हैं जिसे ट्यूबुली रेक्टाई कहते हैं। और ये सारे के सारे जो सेमिनोफेरस ट्यूबुल से आने वाले ट्यूबुली रेक्टाई है आपस में मिलकर नलिकाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे रेटा टेस्टिस कहते हैं। यहां पर अगर हम इसको देखें तो यहां पर हम लिख लें रेटा टेस्टिस और यही रेटा टेस्टिस से फिर पुनः पतली पतली जो नलिकाएं निकलती है और ये पतली पतली जो नलिकाएं हैं इन्हें वास इफ्रेंसिया कहा जाता है। ये वास इफ्रेंसिया आपस में एक क्वाइल्ड संरचना का निर्माण, अति हाईली क्वाइल्ड संरचना का निर्माण करते हैं जिसको एपीडी डाइमिस कहा जाता है। ये एपीडी, ये जो बाहर वाला आप डायग्राम देख रहे हैं
ये क्या है, एपिडिडाइमिस है, अर्थात वास इफ्लुएंसिया किसमें ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में ओपन होती है, और इस एपिडिडाइमिस के तीन भाग होते हैं, कैपुट या हेड, बीच वाला जो भाग है वो कार्पस कहलाता है, जबकि अंतिम वाला जो भाग है वो काडा कहलाता है। और यही एपिडिडाइमिस पुनः पतली नलिकाओं के में खुलती है, और ये जो पतली नलिकाएं जो बनती है, इन पतली नलिकाओं को वास डिफरेंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने टेस्टिस की संरचना को देखा। तो जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या है, मैंने आप लोगों से कहा कि मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, और ये एक जोड़ी जो टेस्टिस है वह उदर गुहा से बाहर दोनों पैरों के बीच में जो पेनिस है, पेनिस के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये ओवल से स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे, 1.25 सेंटीमीटर थिक और लगभग 20 से 25 ग्राम वजन के होते हैं। टेस्टिस जो है वो एक थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद रहते हैं, और इस थैलेनुमा संरचना को स्क्रूटम या टेस्टिस से कहा जाता है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मनुष्य के जो टेस्टिस हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं। भाई टेस्टिस का मुख्य रूप से जो कार्य है वो है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, गैमेट का फॉर्मेशन करना, और गैमेट के फॉर्मेशन उनके मैच्यूरेशन के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि मनुष्य के जो कहना चाहिए देहगुहा जो होती है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि उसे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस कारण से स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के मैच्यूरेशन के लिए जो टेस्टिस हैं वो उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। चलिए अब हम शुक्र वाहिकाओं में ओपन होती है, तो एपिडिडाइमिस के अंदर स्थित शुक्राणुओं को सेमिनल वेसाइकल तक पहुंचाने का जो कार्य है वह कार्य वास डिफरेंस के द्वारा किया जाता है। वास डिफरेंस जो है लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में होती है। अब अगर आगे देखें तो वास डिफरेंस किसमें ओपन हो रही है, वास डिफरेंस जो है एक सेमिनल वेसाइकल में होती है, थैलीनुमा संरचना में ओपन होती है, और इस थैलीनुमा संरचना में जो स्पर्म है वो संग्रहित करके रखे जाते हैं। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सेमिनल वेसाइकल्स के द्वारा द्रव का निर्माण किया जाता है, एक तरल द्रव का निर्माण किया जाता है, और इस तरल द्रव के अंदर जो स्पर्म है वो तैरते हुए रहते हैं। चलिए आगे हम देखें, अगर ये जो सेमिनल वेसाइकल्स है, सेमिनल वेसाइकल्स ने क्या काम किया, दोनों तरफ के सेमिनल वेसाइकल्स की जो डक्ट है वो आकर किसमें ओपन हुई, इजुकुलेटरी डक्ट में ओपन हुई, स्कलन नलिका में ओपन हुई। अब ये इजुकुलेटरी डक्ट जो है आगे की ओर किसमें ओपन हो गई, यूरेथ्रा में ओपन हो गई। अब यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरेथ्रा का मुख्य रूप से कार्य है जो यूरिनरी ब्लाडर है, इस यूरिनरी ब्लाडर में उपस्थित इकट्ठा किए हुए यूरिन को शरीर से बाहर निष्कासित करना। लेकिन चूंकि इजुकुलेटरी डक्ट इसमें आकर मिलती है, इस कारण से कॉपुलेशन के समय वीर्य को शुक्राणुओं को फीमेल जेनाइटल ऑर्गन तक, मादा प्रजनन अंगों तक सिस्म के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से पहुंचाने का जो कार्य है वह यूरेथ्रा के द्वारा किया जाता है। यूरेथ्रा बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा ओपन होता है जिसको यूरिथ्रो जेनाइटल एपर्चर कहा जाता है, यूरिथ्रो
जेनाइटल एपर्चर कहा जाता है। चलिए इसके बाद एक और संरचना की बात कर ले। यूरेथ्रा के दोनों तरफ अगर देखें तो एक पेशी संरचना पाई जाती है और इस पेशी संरचना को पेनिस कहा जाता है। यहां पुरुषों का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मैथुन अंग होता है। यहां पेनिस का जो अग्रभाग है वो फुला हुआ होता है और जिसे ग्लांस पेनिस कहा जाता है। इस ग्लांस पेनिस के चारों ओर त्वचा का एक दोहरा आवरण होता है और इस दोहरे आवरण को पेनिस प्रीप्यूस कहा जाता है, या इसको हम हिंदी में अगर हम बात करें शिश्न आच्छादन या शिश्न आवरण भी कहते हैं। कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिश्न क्या है, उसका अब शिश्न का मुख्य रूप से कार्य क्या है। भाई शिश्न के जो अग्रभाग है, यहां ये जो अग्रभाग है यहां पर ये स्पंजी उत्कों का बना हुआ होता है और कॉपुलेशन के समय बहुत जल्दी एक्साइटेड होने वाला पार्ट है। चलिए आगे देखिए ये कार्य क्या कर रहा है। इसका मुख्य रूप से कार्य है वीरी को फीमेल जेनाइटल अपर्चर तक पहुंचाना। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सहायक ग्रंथियों की बात करें तो कौन कौन सी ग्रंथि है। सबसे पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है काउकर्स ग्लैंड। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जहां पर इजिकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में आकर ओपन होती है, यूरेथ्रा में आकर खुलती है, उसके चारों ओर यह ग्रंथि स्थित होती है। इसके चारों ओर ये ग्रंथि स्थित होती है और इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक पतले स्राव का निर्माण किया जाता है जो शिमेन का वीरी का लगभग 15-20% भाग बनाने का कार्य करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो तरल स्रावित किया जाता है, उसका मुख्य रूप से कार्य है कि जो स्पर्म है उनको तैरने के लिए माध्यम प्रदान करना। इसके साथ साथ वीरी से जो गंध आती है उस गंध को प्रदान करने का कार्य भी इस तरल द्रव का होता है। दूसरी ग्रंथि की बात करें तो दूसरी ग्रंथि है कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की ओर, प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट नीचे की ओर एक मटर के दाने के समान ग्रंथि पाई जाती है जिसको काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है। काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड के द्वारा भी तरल पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है, एक क्षारीय द्रव का सिक्रेशन किया जाता है जो वीर्य के गाढ़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात वीर्य को गाढ़ापन प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही यूरेथ्रा को बैक्टीरिया फ्री करने का काम, जीवाणु मुक्त करने का कार्य भी इसके द्वारा स्रावित पदार्थ का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मानव नर जनन तंत्र का अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि इसमें मुख्य रूप से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस शामिल है, जबकि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्राशय, शिश्न, यूरेथ्रा शामिल है। इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड भी इसमें शामिल है। तो हमने इस प्रकार से नर जनन तंत्र एवं उसके प्रत्येक अंग के कार्य को समझने की कोशिश करें हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।